Hello again and a very warm welcome to the inaugural NCERT destination. Hum baat kar rahe hain hamare unit human physiology ke second chapter body fluids and circulation ki. Pehla ek intro, ek basic sa plasma ka structure, aapki form tendency, main already aapko bata chuki hoon. If you don't know, we cover 9 on our NCERT topic by topic NCERT. See, main aaj ke chalte pe aaj hum dekhenge blood grouping. Usse jo pehli cheez humko dekhna hai, that is your video. Before that, we should extract the channel and present the feature of the UI of the motivation. I will understand the topic by topic. Varna or next. So, just like we have done, which is our cheese, that is your ABO blood group. Right? ABO blood group, if I am talking about the ABO blood group, the name was called non-stimulant. So, ABO blood grouping, kyun zaruri hai ya koi bhi blood grouping ke bare mein janna kyun zaruri hai? See, jab bhi hum kisi ko blood transfuse karte hain, word kya hai aapka? Transfusion. Theek hai, word kya hai? Transfusion matlab kisi ko kisi ka blood chadha, theek hai, kisi ki zarurat hai, jaise kisi ka accident hai, jisme severe blood loss hai, ya fir aap maan lijiye ki koi सर्जरी है जिसमें आपका हो सकता है काफी ब्लड में हो जाएगा, तो वहां पे डॉक्टर्स ऑलरेडी ब्लड का एग्जाम करते हैं या फिर देख लीजिए कि दे आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जहां ब्लड अलग से जो आपका पेशेंट है उसको चल रहा है। अब ऐसे भी अगर ब्लड में पेशेंट का नहीं लगा या फिर जो हमने ट्रांसफ्यूज किया है ब्लड वो ग्रुप नहीं करता है, देन इट कैन बी रियली डिफिकल्ट, क्योंकि जैसे ही कोई और हमारी बॉडी में आएंगे पहली चीज जो स्टार्ट होगी दैट इज क्लंपिंग। क्या होगी? क्लंपिंग। अब क्लंपिंग का मीनिंग क्या हो रहा है? क्लंपिंग का और का मीनिंग है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज जो है हमारी बॉडी में उनका डिस्ट्रक्शन होना। व्हाई डज दिस हैपन? सिंगल एपिटेस कि हमारी जो बॉडी है वो हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसको पता ये हमारा सेल सेल है, ये हमारा सेल डेलिंग है। सो हमारी बॉडी क्या करती है, जो चीज हमारी लेनी है उसको खत्म कर दे, जस्ट फिनिश इट ऑफ, ताकि वो हमारी बॉडी में कोई काम ना करे। जो यहाँ पे क्लंपिंग हो रही है वो यही रीजन है, वो हमारी बॉडी से ब्लड को बिना स्ट्रीम कर रहा है, तो उसके लिए तो फॉरन बॉडी है और फॉरन बॉडी बॉडी इसके दिमाग में सिर्फ एक चीज है कि वो आम ना चाहिए, बैक्टीरिया है, वायरस है, डिजीज कॉजिंग है। सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज इसको डिस्ट्रॉय। सो इसी वजह से अगर ब्लड ग्रुप मैच ना किया जाए व्हेन क्लंपिंग होगी आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगे। अब ये थिंग आपकी बीमारियों में बहुत ज्यादा फिर ना चाहता है, आपकी बीमारियां जैसे कि ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया में क्या हो रहा है, ल्यूकेमिया में आपके आरबीसीज ऑलरेडी शॉर्ट है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग जनरली क्या करते हैं, आरबीसी ट्रांसफ्यूज कर लेना। और ग्रोइंग रिसर्च एंड एवरीथिंग हुई, हम लोग जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आपका प्लाज्मा, ये सारी चीजें अलग अलग इंसेंटिवेशन से। अब किसी को आरबीसी चाहिए तो मान लीजिए हमने उसको आरबीसी ट्रांसफ्यूज कर लिया, बट अगर ब्लड मैच करना, तो ऑलरेडी जो ल्यूकेमिया से सफरिंग है यानी कि उसके पास ऑलरेडी आपके आरबीसी कम है, उसमें आपने और ऐसे आरबीसीज डाल दिए जिनके खिलाफ क्लंपिंग होगी। सो जस्ट इमेजिन जो बॉडी ऑलरेडी वीक है उस पर्सन भी उसको कितना सारा नुकसान पहुंचेगा। सो दिस इज अ रीजन कि आपको हमेशा ब्लड जो है ट्रांसफ्यूज करने से पहले स्क्रीनिंग करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए इस चीजेस के लिए भी, एंड अंडरस्टैंड कि हमने कहीं गलत ब्लड ग्रुप तो नहीं चला। ठीक है, अभी गलत ब्लड ग्रुप जो है ये कैसे बनते हैं, कैसे हम इनको यू कैन से कि
पता लगा सकते हैं कि किसका कौन सा है. As you go into the medical profession, first year में कई सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, अपनी फिंगरप्रिंट करनी होती है, कई बार अपना एक ब्लड ग्रुप जांचना होता है, तो ये भी काफी सारी चीजें होता है. होता कि जो आपके आरबीसी सिर्फ जो आपके आरबीसी सिर्फ है इनकी सर्फेस पर होते हैं आपके एंटीजेंस. क्या होते हैं एंटीजेंस? और ये एंटीजेंस जो होते हैं ये कोई पर्टिकुलर एंटीजन हो, जैसे कि आपका अगर एंटीजन ये है ठीक है तो वो प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप भी ए होगा. अच्छा अब ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो एक रिएक्शन इंड्यूस करते हैं, इनके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री ठीक है एंटीबॉडीज होती हैं जो भी होती हैं हमारी प्लाज्मा में ठीक है. एंटीजन का होगा आपका आरबीसी में, एंटीबॉडी का होती है प्लाज्मा में, और ये होगी इसके अपोजिट के अगेंस्ट यानी एंटी. अगर आरबीसी की सर्विस में एम है तो एंटीबॉडी कौन से होगी एंटीबॉडी होगी आपकी एंटी. तो इस तरीके से पूरा एक चार्ट है जो हम अभी देखेंगे कि आपके जो ब्लड ग्रुप होते हैं तो उनमें एंटीजन कौन सा है, एंटीबॉडी कौन सी है एंड सो ऑन. सो जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट इट. अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो पहला हम जो देखेंगे वो एंटीबॉडी के लिए, एंटीजन कौन सा है आपके आरबीसी के साथ इसके, एंटीबॉडी प्लाज्मा में कौन सी होगी आपकी ठीक है. एंड नाउ सी डोनर यानी जो अगर तभी आपका जरूरत पड़ती है तो आपका डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, ये चार चीजें देखेंगे. सो गोइंग विद द फर्स्ट वन ए, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे एंटीजन जो सर्फेस पर प्रेजेंट है वो भी कौन से होंगे ए. बट जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज है वो भी आपकी एंटी कौन सी होगी एंटी ठीक है. अब क्योंकि एंटी बी है जो बी के अलावा बच गए कौन बच गया ए और ओ, ये दोनों आपके ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड डोनेट कर सकते ठीक है. नेक्स्ट अगर एंटीजन बी प्रेजेंट, एंटीजन बी प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप भी नहीं होगा. अब यहाँ पे एंटीबॉडी कौन से होती है, विच इज योर एंटी ए, एंटी ए हो जाएगी. अब एंटी ए हो गई तो बच्चे कौन से हैं ब्लड ग्रुप बी एंड ओ राइट, ये दोनों ब्लड डोनेट कर सकते हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा. अब आते हैं हमारे यूनिवर्सल रेसिपिएंट ठीक है, क्या कहते हैं इनको, इनको कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट. क्यों? क्योंकि ये सबसे ब्लड ले सकते हैं. तो अगर हम बात करें यहाँ एंटीजन कोई भी नहीं होगा है ना, तो इसी वजह से आप ए बी ए बी ओ किसी से भी आप ब्लड यहाँ पे ले सकते हो. तो लास्ट वन और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर यानी किसी को भी ब्लड दे सकते. अब इनके साथ ही वाले कि इनके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा पर एंटीबॉडीज ए और बी होंगी ठीक है, एंटीबॉडी ए और बी होगी तो इसीलिए ये सिर्फ ओ से अपना ब्लड जो है वो डोनेट करवा सकते हैं. अगर ब्लड ग्रुप ओ को कभी ब्लड की जरूरत पड़ती है देन ओनली ओ इज द वन दैट कैन डोनेट ब्लड ठीक है. तो यही है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ये भी एंड डोनर इज ठीक है. तो इसीलिए बहुत सारे जरूरी है क्यों, क्योंकि अगर ये मिक्स हो क्या इट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रबल्स, इट इज गोइंग टू बी ट्रबल्स क्योंकि हमारी बॉडी तुरंत चीजें रिजेक्ट करना स्टार्ट करेगी कि ये हमारी बॉडी का नहीं है इसको इन्हों से हटा दो. एंड यू विल सी कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इंजेक्शन एलर्जीज एंड द थिंग्स विल गो ठीक है. इसके अलावा एक और चीज होती है आरएच, तो दिस इज फ्रॉम प्रेसेस ठीक है. आरएच जो होता है आपका फैक्टर होता है जो आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है, लगभग 80% लोगों के ब्लड में होता है बट होता क्या है और इससे क्या सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको याद रखनी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी ठीक है. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको पता आपको क्या करना है, सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन
और अगर अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सो दैट वी नो दैट यू लाइक द वीडियोस एंड आर इटरनली ग्रेटफुल जो आप लोगों को इतना प्यार दे रहे हैं इन कमेंट्स. थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन आल्सो पुट इट डाउन इन कमेंट या कोई बड़ी लोग का कोई बहुत ज्यादा टफ कर रहे हैं. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिंपलीफाई करूं बिकॉज़ दैट इज लाइक होल इज सिंपलीफाइड लेवल राइट, सो अगर आप कोई कर बना सकते हैं कमेंट में हमें बताइए. विल ट्राई मेक अ वीडियो ऑन दैट. ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चलता रहेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आपका न्यूट्रिशन भी आता है. सो फटाफट उठाइए एनसीईआरटी, स्टार्ट रीडिंग, जस्ट गो थ्रू इट. जो समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो हमें बताइए, राइट, हम उसको और एक्सप्लेन करेंगे. स्टे ट्यून्ड टू सी इन अनदर वीडियो. टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडी, सॉल्व क्वेश्चंस, टेक केयर, थैंक यू.